हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वैसाख बुद्ध पूर्णिमा 2020 6 या 7 मई जाने सही तारीख, जरूर करें ये पांच काम। वैसाख हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। वैसाख मास में आने वाली पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन दान पुण्य और धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं। वैसाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन ही भगवान विष्णु जी के 23वें अवतार महात्मा बुद्ध भी अवतरित हुए थे, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज हम आपको साल 2020 वैसाख बुद्ध पूर्णिमा व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए, इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैसाख शुक्ल पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में वैसाख शुक्ल पूर्णिमा का व्रत 7 मई बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 6 मई सायंकाल 7:44 पर, वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 मई सायंकाल 4:14 पर। वैसाख पूर्णिमा पूजा विधि। वैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी, जलाशय अथवा घर पर ही स्नान आदि कर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर पूजा करें। आज के दिन भक्तों को भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सत्यनारायण कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें चंदन का लेप लगाकर सुपारी, फल, फूल, केले के पत्ते चढ़ाने चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करें। आज के दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसाख पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूसरे महीने को वैसाख माह के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वैसाख पूर्णिमा का व्रत रखने से भक्तों के सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस विशेष दिन को लोग बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इसीलिए आज की गई पूजा का कई गुना अधिक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज के दिन सत्य विनायक का व्रत भी रखा जाता है, इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये काम। शास्त्रों में मान्यता है कि आज के दिन सूरज उगने से पहले उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर में विष्णु जी के सामने दीपक जलाकर पूजा करें और फूलों से उनका श्रृंगार करें। वैसाख बुद्ध पूर्णिमा पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और गंगा जल छिड़कें, इससे घर में संपन्नता आती है। आज के दिन बोधि वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और उसकी जड़ों को दूध अर्पण करें। आज जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े का दान करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आज के दिन कोई पक्षी आपके घर पे आ जाए तो उसके खाने पीने की व्यवस्था जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।